हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए जो कि YouTube पर आना चाहते हैं और YouTube पर अपना एक चैनल क्रिएट करना चाहते हैं और YouTube पर अपना कुछ ना कुछ टाइम देना चाहते हैं। तो फाइनली आज मैं बात करूंगा YouTube पर जो आप चैनल बनाते हैं उस चैनल के नेम को लेकर, ठीक है, कि आप किस प्रकार का चैनल बनाए, किस नेम का चैनल बनाए, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ कि किस नेम से चैनल बनाए कि आपका जो चैनल है वो सर्च में आए। सबसे ज़्यादा संभावना तो सर्च की होती है, सर्च में आ जाए तो आपका चैनल वास्तव में ग्रो होने लगता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको चैनल का नेम किस प्रकार से रखना है, कैसा रखना है और जिस कैटेगरी पर आप रखना चाहें उस कैटेगरी के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अगर हमेशा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की, आप लोग जाकर वहाँ से डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपना चैनल जो है किस कैटेगरी पर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यही आती है कि आप जो है अपना चैनल किस कैटेगरी पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मुझे टेक कैटेगरी पर चैनल क्रिएट करना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें बतानी है, मोबाइल गैजेट से रिलेटेड कुछ बातें बतानी है, तो इस प्रकार से मैं उसको टेक कैटेगरी में रख सकता हूँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैटेगरी में रख सकता हूँ। तो उस हिसाब से जो है मैं अपना चैनल क्रिएट करूँगा, ठीक है। बाकी आप अपना जिस कैटेगरी पर चैनल चाहे उस कैटेगरी पर बना सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, टेक कैटेगरी मान लीजिए है हमारे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मुझे चैनल का, मान लीजिए आपको कुछ ना कुछ तो नाम याद होगा कि आप कुछ किस चैनल पे बनाए या फिर अपने ही नाम से बना दें, ठीक है। काफ़ी सारे लोग तो अपने ही नाम से बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस नाम से चैनल बनाऊँ, ठीक है, कोई भी नाम आप पहले चूज़ कर लीजिए। और अगर आप उस पर चैनल बनाना चाहते हैं तो अभी उस अभी आपने जो यूट्यूब चैनल का नाम उसमें मत डालिए। सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में आप अपने जो चैनल आपने चूज़ किया कि मैं अपने चैनल का ये नेम रखूँगा, तो जो है आप अपने चैनल का नेम वहाँ पर सर्च कीजिए, ठीक है। आप हर तरीके से सर्च कीजिए, फ़िल्टर वगैरह लगा के आप सर्च कर सकते हैं इजीली, यानी कि चैनल में सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। वो तो अपने चैनल का नेम जो है चूज़ किया है उस चैनल के नेम से कोई दूसरा चैनल तो है नहीं, या फिर कहें तो कोई बड़ा चैनल तो नहीं है। और बाकी 10-20 सब्सक्राइबर, 2-4 सब्सक्राइबर हो, 100 से कम सब्सक्राइबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा, उस पर आप अपना चैनल बना सकते हैं। लेकिन अब ये कहे कि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हों और उसी नाम से आप भी अपना चैनल क्रिएट करना चाहें, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने वाला है, ठीक है। सेम नेम का बिल्कुल भी चैनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप जो है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कैटेगरी पर अगर आप अपना चैनल नेम रखना चाहते हैं तो जो चैनल नेम आप रखना चाहते हैं पहले उसको जाइए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और विधिवत सर्च कीजिए, ठीक है। फिल्टर वगैरह लगा के फिल्टर में आप जाकर वहाँ पर चैनल चूज करेंगे तो सारे चैनल आ जाएंगे जो जो इस नाम से होंगे, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइबर कम है, 2-4 सब्सक्राइबर हैं तो आप बना सकते हैं। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो फिर आप उस चैनल के नाम से बिल्कुल भी बनाइए ही मत, ठीक है। तो चीज़ आती है कि आप जो अपना चैनल का नाम रख रहे हैं वो एक यूनिक नाम होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि ऐसा नाम रख दिए कि वो सर्च में ही ना आए, लोग उसको जाने ही ना, तो कैसे सर्च करेंगे, आपका चैनल कैसे ग्रो होगा, ठीक है। तो आप जो है अपने चैनल का नाम थोड़ा सरल रखिए लेकिन सटीक रखिए, जो कि मतलब व्यक्ति को हमेशा याद हो जाए, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जैसे महात्मा जी टेक्निकल हो गया, ठीक है, और टेक्निकल गुरु जी हो गए, काफ़ी सारे नाम हैं आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा यूनिक बनाना चाहें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टेक्निकल गुरु जी है, एक पहला अगर आप शब्द कह लीजिए तो यहाँ पर इंग्लिश और दूसरा शब्द क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिल्कुल रिसर्च कीजिए और फिर रिसर्च करने के बाद बिल्कुल एक बेहतरीन चैनल का नाम दीजिए, ठीक है, जो कि यूट्यूब पर मौजूद भी ना हो और आपका एक जो यूट्यूब चैनल है वो एक यूनिक चैनल हो, ठीक है, और चैनल का नेम वगैरह सारा कुछ विधिवत रखा कि लोगों को वो आसानी से याद भी रहे। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली का लौंडा है, यानी कि बिल्कुल ये ऐसा है कि नेम सबको याद रहता है, ठीक है। तो हमारा भी चैनल का नेम ज़्यादा कठिन नहीं है, टीच विथ पवन है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना, ज़्यादा एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि सरल है, ठीक है। लेकिन ऐसा चैनल का नेम रखिए जो कि सब लोगों को याद रहे, ठीक है, और इसीलिए वो सर्च में भी आता है चैनल। अब ये नहीं कि इधर उधर का चैनल रख दिया तो उसको कोई जल्दी सर्च भी नहीं करेगा, तो स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो गई तो फिर आपका चैनल भी नहीं सर्च में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या कर रहे हैं कि अपना
चैनल का नेम रखते वक्त सबसे ज़्यादा आप लोगों की इसी बात पे फोकस करना है कि उस चैनल के नाम से कोई चैनल पहले से यूट्यूब पर मौजूद तो नहीं है। और दूसरी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अपने चैनल का नेम एक यूनिक नेम रखना है, एक बिल्कुल बेहतरीन नेम रखना है आप लोगों को, ठीक है, जो कि लोगों को आसानी से याद रहे और सर्च करने पर आसानी से आ जाए, ठीक है, तभी आपका चैनल ग्रो हो सकता है, वरना ग्रो होने की तो कोई संभावना ही। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि आप चैनल का नेम रखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी सावधानियाँ आप रखें कि जो है आपका चैनल गड़बड़ ना होने पाए और आपका चैनल आगे चलकर आपके चैनल में कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए आपके चैनल के नेम में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ पता चल गया होगा। और ज़्यादा मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया हूँ कि आप अपने चैनल का नाम पहले सर्च कर ले यूट्यूब पर, कोई अन्य चैनल तो नहीं है, और दूसरा नंबर यह है कि आप अपने चैनल का नेम की एक यूनिक नेम रखें या फिर एक पहला वर्ड आप जो है इंग्लिश रख सकते हैं, दूसरा वर्ड हिंदी रख सकते हैं या फिर आपका जो मन, लेकिन चैनल जो है वो बेहतरीन चैनल होना चाहिए, चैनल का नेम जो है वो बेहतरीन होना चाहिए ताकि वो सर्च में आए। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में पाने के लिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।